हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए माध्यम व तकनीक तथा ग्राफिक कला से संबंधित ये पांचवा वीडियो लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ग्लास एचिंग के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? हेक्सा क्लोरो सिलिकिक एसिड, H2SiF6 का प्रयोग किया जाता है। वुड कट तकनीक कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है ये। भारत में वुड कट तकनीक का विकास कब और किस शैली के चित्रकारों द्वारा हुआ? ये कंपनी शैली के चित्रकारों द्वारा हुआ। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? सिल्वर हैलाइड का प्रयोग होता है। लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रबर निर्माण में। पीवीए का प्रयोग किसके लिए होता है? पॉलिशिंग के लिए। मैट्रिक्स क्या है? छपने वाली सतह। क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन पद्धति है, कौन प्रसिद्ध है? क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? जॉर्ज वैक्सटर। कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है? एलेनोग्राफी के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है? कौन सा फोटो सेंसिटिव नहीं है? कार्बेरेडम जो है वो फोटो सेंसिटिव नहीं है। फोटो के कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? कोलाज। काफी इंपॉर्टेंट है ये। गुआश रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से कौन सा है? 4:3। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। प्रीसेस तकनीक का संबंध किससे है? मुद्रण से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में। 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में किया गया। एक्रेलिक रंगों के लिए कौन कौन से माध्यम प्रयोग किए जाते हैं? ग्लॉस, मैट और जेल। एक्रेलिक चित्रण के लिए धरातल पर किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीमर गैसों का। इम्पैस्टो का आरंभ किसने किया? ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रेट बॉय ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दृष्टिगत मिश्रण किसे कहते हैं? दो रंगों को प्रत्यक्ष धरातल पर पास पास लगाकर मिश्रण का प्रभाव उत्पन्न करना दृष्टिगत मिश्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्रेयॉन से बने चित्रों पर कौन सी वार्निश प्रयुक्त की जाती है? डामर वार्निश। पेस्टल चित्रों की सुरक्षा हेतु किसे प्रयोग में लाया जाता है? फिक्सेटिव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करा के रखा जाता है? जल रंग तथा क्रेयॉन के चित्रों पर। फ्रेस्को चित्रण किसे कहते हैं? भित्ति चित्रण की एक विधा जिसमें प्लास्टर लगाकर रंगों को लगाया जाता है। फ्रेस्को की दो तकनीक कौन कौन सी है? फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बूनो। काफी इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेस्को सेको पर कौन सी वार्निश की जाती है? वैक्स वार्निश। बाइंडर किसे कहते हैं? जो पदार्थ रंग कणों को बांधता है उसे हम बाइंडर कहते हैं। पूर्व धारणा से क्या तात्पर्य है? रचनाकार के मस्तिष्क में बनने वाले प्रारंभिक चित्र बिंब को। घनाकृतियां किसे कहते हैं? घनाकृतियां वह होती हैं जो वर्ग अथवा आयतों के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं, जैसे पुस्तक, डिब्बा, ईंटें, माचिस की डिबिया आदि। भूमिबंधन किसे कहते हैं? कैनवास, क्लॉथ,
कपड़ा को फ्रेम पर कसकर उस पर अस्तर की दो परतें लगाई जाती हैं, उसे भूमि बंधन कहते हैं। भूमि बंधन की दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? साइजिंग एवं प्राइमिंग। तैल चित्रण हेतु किन तूलिकाओं का प्रयोग किया जाता है? ब्रिसल है, ब्रिसल ब्रश का। तैल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किससे किया जाता है? चारकोल स्टिक से, जो अंगूर की टहनियों को जलाकर बनाई जाती। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तैल चित्रण का माध्यम क्या है? तारपीन, अलसी का तैल अथवा वार्निश। तैल चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम बताइए। तैल चित्रण के लिए जो श्रेष्ठ वार्निश है वो है कोपाल वार्निश, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे बताया है। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से और भी विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।